अगर उसको छोड़ के भी मेरे को अगर शुक्र अदा करना है तो मेरे 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 बड़ों का जो जिसकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी जो गुलबर्गा की आवाम है उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे को उनकी मोहब्बत और उनका साथ मिलता है हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुलबर्गा वार्ड नंबर 41 कॉर्पोरेटर इरफाना परवीन वाइफ ऑफ खालिद अहमद को महानगर पालिका अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के बाद ही ऑफिशियली अपने चैम्बर में चार्ज ले चुके हैं। इरफाना परवीन ने गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, साउथ एमएलए आलमपुर पाटिल और मेयर यल्लप्पा नाइकोड़ी की निगरानी में अकाउंट कमेटी चैम्बर में अपने कुर्सी पर कदम जमाया है। इस मौके पर कनीस फातिमा, आलमपुर पाटिल, यल्लप्पा नाइकोड़ी के अलावा फराजुल इस्लाम, कुड़ा चेयरमैन मजार आलम खान, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नईम खान, वाहिद अली फातेह खानी, जैदुल इस्लाम और दीगर कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स, लीडर्स और कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। तमाम लोगों ने इरफाना परवीन और इनके हस्बैंड खालिद अहमद को तहनियत पेश करते हुए अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद पेश की है, और इरफाना परवीन के साथ इनके हस्बैंड खालिद अहमद ने भी इनके डेडिकेशन और डेवलपमेंट माइंड को समझकर इन्हें अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने पर कनीस फातिमा, आलमपुर पाटिल और दीगर तमाम अहम लीडर्स को तहनियत पेश करते हुए इस मौके पर खासकर अपने वार्ड की आवाम का इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए शुक्रिया अदा किया है। तमाम कांग्रेस लीडर्स के अलावा वार्ड नंबर 41 की आवाम ने भी इस मौके पर अपने कॉर्पोरेटर को अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनता देख खुशी का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की है, और मजीद मीडिया से बात करते हुए इरफाना परवीन ने चेयरमैन की हैसियत से शहर का डेवलपमेंट करने का भरोसा दिलाया, और इनके हस्बैंड ने भी तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता और अपने वार्ड के आवाम का शुक्रिया अदा किया है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले तो मैं मेरे रब का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि मेरे को इस मुकाम तक लेके आए, और मेरे जो भी है बड़े सीनियर वगैरह उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस अकाउंट चेयरमैन की जो मुझे पोस्ट मिली है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सबके। मेरे जो कांग्रेस पार्टी के जो भी लीडर्स हैं बड़े, मेरे दोनों एमएलए मैडम और आलम प्रभु साहब और हमारे मिनिस्टर प्रियंक खड़गे साहब और हमारे खड़गे साहब और हमारे राधे कृष्ण साहब, जगदेव गुत्तेदार साहब और बहुत सारे मेरे कॉर्पोरेटर्स वगैरह, मेरे जो मेयर, डिप्टी मेयर्स ऑल सब जो भी हैं उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और मेरे जो एरिया है, मेरी आवाम जो है उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उसको अगर उसको छोड़ के भी मेरे को अगर शुक्र अदा करना है तो मेरे 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 बड़ों का जो जिसकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी जो गुलबर्गा की आवाम है उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे को उनकी मोहब्बत और उनका साथ मिलता है हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने आज हमें पोस्ट से नवाजा है, और मैं हमारे तमाम सीनियर कांग्रेस लीडर के, जैसे कि हमारे प्रियंक खड़गे साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और हमारे राधा कृष्णा साहब गुलबर्गा एमपी और हमारे जयदेव गुप्तेदार साहब और हमारे साउथ एमएलए साहब अलम प्रभु पाटिल और हमारे नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा साहिबा और हमारे जितने भी सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं, जैसे कि मजहर आलम खान साहब जीडीए चेयरमैन और हमारे एडवोकेट वहाज बाबा और भी काफ़ी सारे सीनियर्स हैं और हमारे मुर्गे साहब हैं, मैं उन तमाम आला हाईकमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें हर वक्त हमारा साथ दिया और हमेशा हमारे कांधे के साथ कांधा लगा के खड़े रहे, हमारे हर वक्त में साथ रहे। और मैं सबसे पहले हमारे वार्ड नंबर 41 के आवाम को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ हमारे गुलबर्गा और इलानाबाद के भी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें हर टाइम हर वक्त साथ दिया। आज जो हमें पोस्ट दिया गया है जो अकाउंट चेयरमैन का, उसे जो जो ये जिम्मेदारी दी गई है इंशाल्लाह हम इसे बखूबी निभाएंगे, और इंशाल्लाह इसमें और कुछ हम तब्दीली कर सकते हैं तो इंशाल्लाह इसमें और तब्दीली करने की कोशिश करेंगे, और आवाम के लिए जो भी बेहतर हो सकता है उसके लिए भी हम तैयार हैं और बेहतर करेंगे। जो पार्टी ने हम पे भरोसा करके हमें ये पोस्ट दिया है इंशाल्लाह इस पर हम खड़े उतरेंगे, किसी को कोई शिकायत नहीं होने का मौका देंगे।